नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ, वेताल 25। पिछली कहानी में वेताल ने राजा को कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद जब कहानी पूरी हुई तो राजा से एक सवाल किया। अब जैसे ही राजा ने उस सवाल का जवाब दिया, वेताल शर्त के मुताबिक वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा को फिर जाना पड़ा। राजा फिर गया, वेताल को फिर अपने साथ लेके आया। इस बार वेताल ने एक नई कहानी सुनाई। कहानी थी कि विद्या क्यों नष्ट हो गई, और वो ऐसे थी कि उज्जैन नगरी में महासेन नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उस ब्राह्मण के गुणाकार नाम का एक बेटा था। गुणाकार वैसे तो ब्राह्मण था, लेकिन उसे जुए की बहुत बुरी लत थी। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। अब जब घर से बाहर निकाल दिया तो वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिल गया। योगी को देखकर वह हैरान हुआ। उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले तुम कुछ खा लो। गुणाकार ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूं। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आवभगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुणाकार उसने रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से ही मिलेगी, और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुणाकार ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा, मैं खुद जप करूँगा और फिर विद्या प्राप्त करने के बाद ही उस लड़की को अपने साथ रखूँगा। योगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकार नहीं माना। उसने कहा, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं खुद अपने आप सब चीज़ें कर सकता हूँ। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तक तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा, उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकार जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया है और उसके बाल बच्चे भी हो गए हैं। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकार माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुणाकार ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे, और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो, क्या पता मुझे वो लड़की मिले या ना मिले। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकार चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई है, तुमने अच्छे से जप नहीं किया है। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की, पर वह भी नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकार दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर वेताल ने राजा से पूछ लिया कि हे राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई। उसने जप किया पूरा, लेकिन फिर भी उसे विद्या नहीं मिली, और जो ब्राह्मण की, जो योगी की विद्या थी, सिद्धि थी उसके पास, वह भी उसके चली गई। ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको कोई जवाब पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस पर राजा बोला कि इसका जवाब तो साफ है, निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुणाकार के दिल में शंका हुई थी, उसे शक हुआ कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं, इसीलिए उसे विद्या नहीं मिली। और योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उसने एक अपात्र, जो इस विद्या को पाने का पात्र नहीं था, उसे विद्या देनी चाहिए, इसीलिए उसकी खुद की भी विद्या नहीं रही। राजा का उत्तर सुन वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर गया, उसको फिर दोबारा लेके आया और कहानी सुनाई, और वो कहानी हम आपको सुनाएंगे अगली
कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें और इंतज़ार करें अगली कहानी का। धन्यवाद।